नैनो डीएपी हाल ही में 24 अक्टूबर 2023 को भारतीय गृह मंत्री और उर्वरक मंत्री यानी कि अमित शाह और मनसुख मांडविया साहब ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में डीएपी नैनो का पहला आपका प्लांट का उद्घाटन 24 अक्टूबर को किया है। नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है और नैनो यूरिया के बाद भारत में दूसरा ऐसा फर्टिलाइजर जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पर विकसित है। आपकी इसका अनुसंधान नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में होता है। इसके ऊपर इफको कंपनी का फर्टिलाइजर है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नैनो डीएपी से आपके जो कन्वेंशनल डीएपी है उसके कंपैरिजन में 50 से 60% फर्टिलाइजर की बचत होती है। नैनो डीएपी का प्रयोग सीड ट्रीटमेंट और रूट ट्रीटमेंट में किया जाता है जिसके अंतर्गत 3 से 5 ml प्रति केजी सीड आप यूज कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे 2 स्प्रे किए जा सकते हैं, एक बिफोर फ्लोरिंग और एक वेजिटेटिव कंडीशंस में, जहां 2 से लेकर के 4 ml आपके पर लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया में दोनों ही फर्टिलाइजर्स पर भारतीय कंपनी यानी इफको का पेटेंट है। नैनो यूरिया को 2021 में अप्रूवल मिला और नैनो डीएपी को मार्च 2023 में भारत सरकार से अप्रूवल मिला। धन्यवाद।